कोरोना बीमारी की इब्तदा जब हुई तो उसका असर रफ्ता रफ्ता जिस तरीके से हर शहर का असर रफ्ता रफ्ता होता है और हर चीज रफ्ता रफ्ता आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे अपने कमाल की तरफ पहुंचती है। इस बीमारी का नाम निकलने के बाद रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया में इस बीमारी का सफर किया। बीमारी कैसी थी, कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी, दूर आड़स क्या था, किसी को नहीं। एक नाम चला कि एक ऐसी बीमारी निकली है जिस बीमारी में मुब्तला होने के बाद इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। बहरहाल बीमारी का सारा पैर पता चला नहीं पता चला सबको मालूम, मगर जो ही बात फैली पूरी दुनिया में खयाम पड़ता हो गया, इंसानियत तड़प उठी, लोग घबरा गए, लोगों को आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। अगर कोई चीज नजर आती थी तो एक ही चीज थी कि हम मौत से कैसे निजात बचे, इस बीमारी से हम कैसे बच जाए, कहीं हमें ये बीमारी ना ही ना हो जाए। उस खौफ ने इंसानों के अंदर हाहाकार मचा दिया उस बीमारी ने, और उम्मते मुस्लिमा के बेशकर वो लोग जो मस्जिद देखते ही अपना रुख दूसरी जानिब कर लेता था, मस्जिद की आजाने सुनते ही अपने कानों में फोन डाल लेता था, मस्जिद की तिलावत आती ही अपना रास्ता बदल लेता था, नमाज तमक होती जिसे बाजार और होटल नजर आता था, वो सारे के सारे बेचारे वो सारे के सारे बेचारे मस्जिद में आते। थोड़े दिन गुजरा, बीमारी ने और सफर किया, बीमारी ने और बच्चा किया और फैल गई बीमारी। हुकूमत की जानिब से ऐलान हो गया खबरदार, मस्जिद बंद, मंदिर बंद, चर्च बंद, सारे इबादत गाहें बंद, कोई भी दाखिल हो सकता। दाखिल हुआ तो पुलिस के लठ डंडे घूसे जुर्माने का मजा मिलता था। वह सुर उस वक्त लोगों ने और खास तौर से उम्मत मुस्लिमा के उस तबकात ने, उन तबकात ने जिन लोगों का ताल्लुक न अजान से रहता था, न मस्जिद से रहता था, न तिलावत से रहता था, न आलिमों से रहता था, न दीनदारी से उनका ताल्लुक था, एक जिंदगी थी जो गुजार रहा था, आकर के हंगामा करने लगे, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, हमें कौन रोक सकता है। देखता हूं कौन रोकता है, हम जमात करेंगे, छुप करके करेंगे, बाहर पहरेदार रखेंगे ताकि पुलिस वाले नहीं आ सकते, हुकूमत के कोई कार्य में दाखिल नहीं हो सकते,
लेकिन देखते देखते इन सारे बेचारों की और इन सारे सूरमाओं की गोलती बंद हो गई। इन सारे सूरमाओं की गोलती बंद हो गई। हुकूमत ने जो सख्ती की, जो डंड बजाना शुरू किया, जो डंडे मारना शुरू किया, इन बेचारों ने छोड़ दिया। इस बात को मैं रोकता हूं। इस बीमारी ने जब तरक्की की, इस बीमारी ने जब तरक्की की और इस बीमारी के नाम पर लोग मरे, लोगों की मौतें हुई, तो उसूलों सवाबित की सख्तियां और बढ़ गई। रूल, उसूल और डिसिप्लिन में मजीद शिद्दत और पुख्तगी आ गई और यहां तक कि इस बीमारी के खौफ ने लोगों को इस कदर हरासत किया, इस कदर दहशत जदा किया, इस कदर मरहूम किया कि लोग तो लोग रहे, बेगाने तो बेगाने रहे, लोग अपनों के करीब भी नहीं जा रहे। सेहतमंद सेहतमंद के करीब नहीं जाने लगे और वक्त का तकाजा यही था। लेकिन वो तकाजा हुआ क्यों? हम किस कदर मजबूर और बेबस बेकस हो चुके थे। एक सेहतमंद इंसान दूसरे सेहतमंद इंसान से नहीं मिलता, जो गले से चिपक जाता था। कई मिनटों तक सीने से सीनों को लड़ा करके जो है चिपका रहता था, उससे मुसाफा करना तो दरकिनार, पास में भटकना भी नहीं देता था। ये किस चीज ने मजबूर कर दिया? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इस बीमारी के इस लंबे सफर तक, इस लंबे सफर में कम से कम आपकी हिफाजत कर ली गई, कम से कम आप उन बदनाम लोगों में शामिल नहीं हुए कि जिनकी लाशों को इंसानों की लाश की तरह नहीं बल्कि जानवरों की लाश की तरह प्लास्टिक में कवर में पैक करके उसको जो है गाड़ियों और ट्रालियों के जरिए या रस्सियों के जरिए से उनके मकबरे में, उनके आखिरी आरामगाह में जो उतारा जाता था, कम से कम आप उनमें से एक तो नहीं हुए। अरे इन आंखों ने उन लोगों का मुशाहिदा किया कि चिकने से चिकने दोस्त, जिस दोस्त के लिए कभी कहा करता था कि पसीना गिरे जहां चेहरा मैं तो खून बहा दूंगा, पसीने की कीमत खून से चुकाने के लिए जो हर आंख हर वक्त तैयार रहता था, देखा इस दुनिया में, इस आसमान में देखा, इस सरजमीन में देखा, जिगरी दोस्त है, बीमारियां कई लायक है, लेकिन मंसूब हो गया कि कोरोना की बीमारी का आक्रमण इसके ऊपर हो गया, कोरोना का मर्ज इसे लग गया, ये बीमारी इसे लग गई। एम्बुलेंस से उतारता है रात के वक्त, सामने जिगरी दोस्त है, साथ बीवी है, भाई है, एम्बुलेंस से उतारते वक्त उस जिगरी दोस्त का जिस्म में खराश न आने देने के लिए हर वक्त जो कहता था मैं हमारे वक्त तेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा मेरे यार मेरे दोस्त, आज वही जब जमीन पर गिरता है और जमीन पर गिरने के बाद उसकी बीवी पुकारती है और मेरे भाई और मेरे शौहर नामदार के दोस्त, मेरा शोहर जमीन पर गिर चुका है, जरा आप भाई मेरी मदद कीजिए, उठाइए अल्लाह के लिए से जमीन से। मगर साथ में एक और है, मुस्लिम दोस्त होता है, मजाक नहीं होती, उसे इजाजत दी नहीं जाती, हरगिज़ आप उसके जिस्म को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, आप अगर उसको छुए तो फिर हमारा भी मसला अलग हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। निगाहों के सामने एक दोस्त तड़प तड़प कर अपने
अपनी जान गवा देता है, लेकिन उसमें मजाल नहीं होती है कि उस दोस्त के जिस्म को हाथ लगाए, उस शरीर में गिरे कोने को गिरे गिरे में उस जिस्म को जमीन से उठाकर उसके तख्त पर रखे या फिर उसको रखने की जगह पर रखे। अल्लाहु अकबर। इस सरजमीन ने देखा, आसमान ने देखा, रात की तारीकी ने देखी और चमकते हुए सितारों ने देखा। वो दोस्त कितना बेबस था, कितना बेबस था। कम से कम आप उनमें से एक तो नहीं हुए। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस मकाम पर, उस जगह पर अगर आपकी लाश होती, आपकी बॉडी जमीन पर गिरी होती तो आपकी हालत क्या होती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम हादसात से आपको बचाकर आज सही सलामत रखा। उसका आपने इनाम क्या दिया? आपने बेवफाई की, आपने गद्दारी की। क्या की? बेवफाई की, गद्दारी की। जब बीमारी का हमला पुरजोर हुआ, जब वबा फैल गई पूरी तरह से और पूरे दुनिया में शोर हो गया कि इस तरह की बीमारी आई, तो तुमने मस्जिद के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की और एक दरवाजे को बंद करके दूसरे दरवाजे से तुमने दाखिल होने की कोशिश की, और इसके मारे खाई और इंतजामिया को गलत सलत कहा भी तुमने, और उम्मत मुस्लिमा के उन जिम्मेदार को जो मस्जिद के जिम्मेदार हुआ करते थे, मस्जिद के अइमा हुआ करते थे, तुम्हारी जबानों ने उनको बुरा भला कहा। वो इसलिए कहा कि तुमने मस्जिद में नमाजें पढ़ने की कोशिश की, आज यही मस्जिदें तुम्हें आवाज देती है कि वो सूरमा जो मस्जिदों के दरवाजे को तोड़ने की बातें करता था, मस्जिदों के ताले को तोड़ने की बातें करता था और इंतजामिया को हिलाने की बातें करता था, इंतजामिया को उखाड़ फेंकने की बातें करता था, आज वो लोग कहाँ है? मस्जिदें वीरान क्यों है? फजर में एक डेढ़ आदमी से जमातें शुरू क्यों हो रही है? और दूसरे औकात में नमाजी वो लोग कहाँ चले गए जो बड़े जो ऐसी ना तान तान के तार ठोक के बोलते थे आओ हम मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ेंगे। तुम भूल गए वो दिन? तुम भूल गए जब बीमारी ने आ गया अल्लाह अल्लाह हम तेरे बचा 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 कहीं फिरौन की तरह तुम्हारे पीछे ना हो जाए। अगर यही आदत रही, वही फिरौन, वही हामान, वही सद्दाम, उन्हीं लोगों के साथ अक्सर हो, तुम ये क्यों भूल गए कि इस लॉकडाउन और इस कोरोना बीमारी ने तुम्हें क्या क्या पैगाम दिया? आज तुम फिर से किसी हो गए क्या? इसी बीमारी ने और इसी बीमारी ने तुम्हें यह पैगाम नहीं दिया क्या? तुम फिर अपने बिजनेस में और अपनी तजारत में मसरूफ हो गए, नमाजों को छोड़ने लगे? अरे यही 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना तुम तो दुकानें बंद करते थे, तुम्हें रोजियां मिली नहीं थी, तुम खाए नहीं खाए, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी नहीं दी, तुम बीमारियों से बचे नहीं बचे, ये पैगाम भूल गए? इस बीमारी ने बहुत पैगाम दिए, बहुत पैगाम दिए, उनमें से आपको ये भी दिया कि अगर आपकी दुकानें साल भर भी बंद रहे तो भी आप खा सकते हैं, तो भी जिंदा रह सकते। जब मरने लगे, मौत तुम्हें दिखाई देने लगी तो तुम मस्जिद के दरवाजे पर आ गए कि मुझे बचा ले। इन्ना काशिफुल अज़ाब क़लीलन इन्नकुम आइदून यौम नबतश बतशतल कुबरा। अल्लाह ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, हम जानते हैं अगर मैं थोड़ी देर के लिए सज़ा को हटा दूं तो फिर ये अपनी पुरानी आदत पर लौट आएगी, अपनी पुरानी आदत पर लौट आएगी। और हुआ ये, बीमारी आई, मस्जिदें खचाखच भरने लगी, जोर जबरदस्तियां की, लेकिन जो ही बीमारियां तंग हो गई, थोड़ी सी आजादी मिली, मस्जिद वीरान है, कौन आ रहा पूछे, कौन आ रहा नमाज पढ़े, कोई बस जो बेचारे गिने चुने बूढ़े थे वही रह गए, वही जो पुराने लोग थे, बाकी जो डर के मारे आए थे हिम्मत
जब अल्लाह ताला ने अपने आजाब को थोड़ा हल्का कर दिया तो फिर ये अपनी पुरानी आदत पर और पुरानी फितरत पर ये लौट गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की धमकी भी सुन रही अल्लाह तबारक व तआला की सख्त पकड़ है, वो अपनी पकड़ और चकड़ में तुम्हें ले लेगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये तो तुम्हारी आजमाइश के लिए, ये थोड़ी बीमारी कम कर दी तो अब देखते तुम्हारा हाल क्या होता है। अल्लाह को तो मालूम है तुम्हारी बदमाशी है, अल्लाह को मालूम है तुम्हारी बदमाशी, अब फिर तुम अपनी आदत में लौट गए। लेकिन याद रखो, तुम्हें मस्जिद की अहमियत उस वक्त मालूम हुई जब मस्जिदें बंद होने लगी, और ये जो तुम्हारी कमर अभी झुक नहीं रही है, इस कमर की अहमियत तब मालूम होगी जब रब्बे जलाले वल इकराम का नुज़ूले इजलाल होगा, या यौम युक्शफ़ अन सातिन व इज़ा हुम मिन अस-सुजूद फला यस्तुतिरून, पर उसे महशर कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नुज़ूले इजलाल होगा, अल्लाह तबारक व तआला की पिंडी खुलेगी और वो नूर की पिंडी खुलेगी, अल्लाह की पिंडी खुलेगी और अल्लाह तबारक व तआला के सारे खासा बंदे, सारे नमाजी बंदे, सारे मुसलमान, सारे मोमिनीन अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिर जाएंगे। मगर वो लोग जिन्होंने सजदा करने से परहेज किया, जिन्होंने सजदा करने से अपने आप को रोके रखा, जिनकी कमर दुनिया में झुकी नहीं, अल्लाह के सामने नमाजें नहीं पढ़ी, इबादतें नहीं की, अल्लाह के सामने जिनकी कमरें झुकी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने कल कयामत के दिन जब सारे मोमिनीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज हो जाएंगे, फिर ये लोग क्यों ही अकड़ के खड़े रहते, कोशिश करो तुम्हारी कमर टूटे ना फटे, तू नहीं कर सकता। अब तुम सोच रहे होगे कैसे कमर नहीं झुकेगी, बंद कर दिया मस्जिद तो कमर झुक रही थी, अब जब मस्जिद अच्छी तरह खुल गई तो तुम्हारी कमर अभी नहीं झुक रही है, तो यही कमर कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने झुकेगी, नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी, अल्लाह उसको सख्त कर देगा। जिल्लत और रुस्वाई से उसके चेहरे काले होकर के झुके हुए, थोपड़ा बिगड़ा हुआ होगा, फिर उससे कहा जाएगा क्या बात है मियां साहब, जब सही सलामत थे तब तुम आए, जब लंगड़े लूले अंधे कोरे पहरे सब कुछ हो गए तब तुमको झुकना आया, तब तुमको झुकना आया, जब तुम कैद कर दिए जा रहे हो, तुम मजबूर कर दिए जा रहे हो, तब तुम झुकने की कोशिश कर रहे हो, यहां पे मजबूर किया तो झुकने आ गए, सजदे करने आ गए, कल कयामत के दिन भी अल्लाह के सामने जब इंसान मजबूर होगा और अकड़ करके खड़ा हो जाएगा, जिल्लत और रुसवाई से उसके थोपड़े जो बिगड़े हुए होंगे उससे कहा जाएगा क्या हुआ, जब तुम सही सलामत थे, तुमको सजदे की तरफ बुला रहे थे, नमाज की तरफ बुला रहे थे, तो तुम दबा के दूसरी तरफ भाग रहे थे, आज तुम नहीं झुक सकते, आज के दिन रुसवाई है ऐसे लोगों के लिए। अरे किस खाब गफलत में मुब्तला, किस चीज ने भुला दिया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम भूल गए, कि जब आपने कसम खा के फरमाया था वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द हमलतु अन अज़ा बिहतमिन फयुहतम थुम अमुर बिस्सलाति फयुअज़न लहा थुम अमुर रजुलन फयुम अन्नास, जो सात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरा दिल करता है आज दफा में इरादा करता हूं, मैं नियत करता हूं कि लकड़ियां इकट्ठा करने का हुक्म दो, सही होता था, फिर इसको क्या करे, लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद उसे चलवाया जाए, फिर लकड़ियां जब इकट्ठा हो जाए तो लोग जमा कर दे तो क्या करे, मेरा दिल करता है कि मैं नमाज का हुक्म दूं, आजान दिलवाऊं नमाज के लिए,
और फिर अपनी जगह पर किसी को इमामत करने के लिए खड़ा करूं। ثم امر رجلا فيؤم الناس, अपनी जगह पर इमामत के लिए किसी और को रखो। ثم اخالف الى رجل, फिर मैं जाऊं उन लोगों की तरफ कि अजान दिखाने के बाद देखता हूं कौन नमाज के लिए नहीं आता। उस घर से जिस घर से नमाज के लिए नहीं आता उस घर में उस आदमी समेत चला कर उसे खारिज कर। जिस घर से लोग नमाज के लिए ना आए अजान सुनकर उस घर को मैं जला कर खाक कर दू, राख कर दू। ये कौन कह रहा है? ये सरवरे कौन कह रहे हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है? एक इंसान को जिंदा जलाने की बात की जा रही है, कितनी बड़ी बात है। इससे मालूम ये होता है कि बेनमाजियों का अजाब और सजा कितनी बड़ी होगी। बेनमाजियों के साथ जो अल्लाह अजाब देगा वो कितना बड़ा अजाब होगा, कितनी भयानक सजा होगी दी जाएगी। क्यों? रहमतुल लिल आलमीन जो इंसान तो इंसान है, दरिंदे के ऊपर भी जो तरस खाए और रंग खाए, जानवरों के ऊपर कीड़ों मकोड़े के लिए जो रहमत है, वो अगर कहे कि उसके घर को उसके समेत उसे जिंदा चला कर खाक कर दे और तुम अजान सुन के अपने बिस्तरों पर मरे हुए करने की तरफ पड़े रहो, तुम्हारे ऊपर कौन सी लानत आएगी? वो तुम्हारे ऊपर कौन सी लानत आनी चाहिए? बाज दफा ऐसे बदबख्त और नाजायज किस्म के लोग होते हैं। मस्जिद में आया, पेशाब किया, मखाना किया, साफ किया और तुरंत दबा के निकल गया। अरे जाहिल नाजायज अहमक, तुमने वो जरूरत पूरी की अपनी मगर जिसमें तेरे लिए फलाह है, महबूबियत है, कामरानी है, कामयाबी है, अल्लाह की रिजा है, तुमने नमाज पढ़ना छोड़ दिया और तुम दबा के भाग गए। क्या वजह? क्यों हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं? क्या फिर से कोई दूसरे अजाब के इंतजार कर रहे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर कोई दूसरा अजाब नाज़िल करे? क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, यही हालत पर जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह की नाफरमानियां नमाजों से दूर, मस्जिदों से दूर, ऐसा लगता है जैसे समाज के चंद बूढ़ों ने सिर्फ नमाज का ठेका ले रखा है। चंद बूढ़ों ने, अरे बदबख्तों तुम्हारी वजह से जो नमाजी है, जो दीनदार है, जो नेकोकार है, वो लोग भी अजाब के चपेट में आ जाते हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बदबख्ती की वजह से। इसलिए अल्लाह का कानून है जब इस तरह तौर पर तुम इस तरह के जराइम को जराइम कर मुर्तकिब होने लगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को मजबूरन तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी मार नाज़िल करना पड़ती है। वो नहीं चाहता कि अपने बंदों को तकलीफ हो। तो गरज ये कि मुझे बताना ही कि इस हदीस पाक के अंदर कितना बड़ा पैगाम है और यहां पर ये तजवीज की जा सकती है कि बेनमाजी आदमी की सजा आखिरत में क्या हो, आखिरत में क्या हो। सो अभी थोड़ी सी ठंडी, अरे शर्म करो, किस ठंडी से शर्म आनी चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है जब लोग कहने करो साहब बड़ी सर्दी, बड़ी ठंडी, ठीक है ठंडी है, इतनी ठंडी नहीं है जो ठंडी तुम्हारा इंतजाम जहन्नम में कर रही है, जो ठंडी तुम्हारा इंतजाम जहन्नम में कर रही है वो ठंडी नहीं है। अल्लाह वालों जहन्नम के अंदर इस कदर खतरनाक ठंडी है कि अगर बड़े बड़े चट्टान में फेंक दिया जाए तो उस ठंडी से गल कर गल जाए, गल जाए, तुम्हारे जिस्मों के पखंचे उड़ जाए। आमतौर पर ठंडी में जिस्म और सारी चीजें जम जाती है, लेकिन जहन्नम में उसके बरक्स है, उस ठंडी की शिद्दत इस कदर है, इतनी खतरनाक ठंडी है कि उसमें जाते ही गल जाएगी सारी चीजें। तो याद करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे आपकी जिंदगी? उम्र मोमिनीन सिद्दीकाए कायनात बयान फरमाती है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस कदर नमाज पढ़ते हैं, इस कदर नमाज में मसरूफ रहते हैं। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूमु लैल कान यतफत्तरु कदमा, आपके कदम मुबारक फट जाते हैं। बहुत ज्यादा आदमी खाली पैर चले या ज्यादा खड़ा रहे तो पैरों में फर्म आ जाता, पैर फट जाते हैं, सख्त हो जाती है एड़िया, वो फट जाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूने कयाम की वजह से, ज्यादा नमाजों में खड़े रहने की वजह से उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन सुनो आपको क्या जरूरत है इसकी, आप ये कर रहे हैं। वक़द गुफिरा लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्खर, जबकि आपके अगले पिछले सब गुनाह माफ है, आपके खाते में तो कोई गुनाह ही नहीं है, आप काहे के लिए इतनी परेशान कर रहे हैं, आपका पैर फट जा रहा है, पैरों में वर्म आ जा रहा है, आपको परेशानी करने की जरूरत क्या है। आप फरमाते हैं अफला यकून अब्दन शकूरा, ऐ आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं, अरे तुमने अल्लाह को क्या दिया, तुमने किस तरह शुक्रिया अदा किया, अल्लाह के रसूल तहज्जुद में कयामुल लैल में इस कदर खड़े हो रहे हैं जबकि आपकी कोई गलती नहीं, आपकी कोई खता नहीं, मगर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए इस कदर कयामुल लैल, इस कदर तहज्जुद का एहतमाम कर रहे हैं कि आपके मुबारक कदमे जो है फट जा रहे हैं और पैरों में वर्म आ जा रहा है। अल्लाहु अकबर। मगर हमारा हाथ, आपका हाथ कोरोना से बचा लिया, दूसरी बीमारियों से बचा लिया, सड़क हादसे से बचा लिया और तमाम तर मुसीबतों से अल्लाह ने बचा करके तुम्हें सेहत दे दी, तुम्हें तवानाई दी, तुम्हें कुवत दी और तुम्हें ताकत दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सारी चीजें दी, मगर क्या मर्द है, क्या औरत है, क्या जवान है, तुम्हारी जवानी का ही आलम है, तुम्हारी जवानी की हालत है कि तुम सजदा नहीं करना चाहते, अल्लाह के सामने रुकू नहीं करना चाहते, अल्लाह के सामने झुकना नहीं चाहते। अल्लाह ने इन तमाम खवाबी से, अल्लाह ने तमाम परेशानियों से जो तुम्हें बचा लिया है, तुमने किस चीज के जरिए, किस अंदाज में तुमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, किस अंदाज में किया। एक मुसलमान होने के नाते उसका मतलब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करना, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जरीर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने बायअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकाम सलात व इता ज़कात व नुसिहा लिकुल्लि मुस्लिम। सामने आके बैठ जाओ, सामने आओ, सामने आके बैठ जाओ, सामने आ जाओ भाइयों, सामने आ जाओ, जब तक डिस्टर्ब नहीं होगा आप लोग मजा ही नहीं आता, क्योंकि वैसे भी आप लोग पीछे आते हैं, खुतबा उतबा से तो मतलब नहीं रहता है, इतने तरक्की कर चुका है हमारा ईमान, इतना सब कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद, हम समझते हैं खाली दो रकात नमाज, दो रकात नमाज के साथ साथ खुतबा जुमा भी जरूरी है, हाँ किसी जरूरी या किसी अहम मसले में हम रह गए तो अलग बात है, मगर आपको मालूम है खुतबा में किस कदर खुतबा की अहमियत सिर्फ इतनी बातों से लगाई जा सकती है कि आप में से कोई आदमी उठ करके कुछ आप जुमे की फजीलत से, खुतबे की फजीलत से महरूम हो गए तो आप पहले आकर के बैठे जगह लेकर के जकात देने की बैत भी है